मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखिए, मेरा भी गला का बुरा हाल है, पूरा गला जाम है, देख रहे हैं। पूरा रात भर सोए नहीं, सर में दर्द, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है, नाक सब बंद हो गया है। ऐसा मौसम क्या हुआ, सीजनली चेंज हुआ है ना, और हम भी रात में आके 2 दिन नहा लिए उसके कारण मुझे ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रहा है। और अभी देखिए, आज नहीं जाना था हमको स्कूल, लेकिन मुनमुन का, बहन का, लड़की का, उनका जिस एग्जाम है टेस्ट तो उसको छोड़ने के लिए हमको आना ही पड़ा। सर में बहुत दर्द है। और आज है आयुष का फंक्शन, जो आपको बताए थे, आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा, उसको बताए थे आप लोगों को कि उसका एक बहुत बड़ा डिनोबली स्कूल में फंक्शन हो रहा है और बहुत बड़ा स्टेज बन रहा है, और आयुष इसमें सेलेक्ट हुआ है डांस में। तो चलिए घर जा करके पहुंच के दिखाते हैं, उसका डांस का ड्रेस भी मिल गया, उसको तैयार करके आज हम लोग को निकलना है 3 बजे के आसपास, वहाँ पहुंच जाना है। तो घर से निकलेंगे 2 बजे और मुनमुन को लाना है 1:30 बजे। उनके पापा है नहीं, उनके पापा का ड्यूटी पड़ गया और निकले हुए, तो इसीलिए हमको हो सकता है, देखिए, टाइम निकाल के हम ही को जाना पड़ेगा लाने, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को वहाँ 3 बजे तक पहुँच ही जाना है, और इतना जाम रहेगा उसका स्कूल के बाहर में कि बताना मुश्किल। आप तो हमेशा मेरा पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, हर ब्लॉग में देखे होंगे कि अगर हम 4-व्हीलर लेके गए तो जाम में बहुत फंसे, और आज तो पूरा में तो और भी ज़्यादा जाम होगा। तो अभी चलते हैं, घर पहुँचते हैं, अभी दूध भी लेना है क्योंकि चाय पिएगा तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, सुबह ही निकले हुए। तो अभी चलिए चलते हैं, दूध लेते हैं, और उसके बाद आपको आज दिखाते हैं कि उसका ड्रेस कैसा है। और रिया को नहीं भेजे, रिया को इसलिए नहीं भेजे कि रिया हो सकता है हम लोग के साथ जाए, अभी तो खाली गार्जियन को ही अलाउ है, लेकिन हो सकता है मे भी, मतलब ग्रुपिंग में बात हुआ था मेरे वाइफ का अपने फ्रेंड से, बोलिए आप एक बेटी है, उसको कहाँ छोड़ के जाएंगे। सही बात है, कहाँ लेके जाएंगे, 3:30 से 6 बजे का कि 7 बजे का कि 8 बजे का प्रोग्राम होते होते। तो इसीलिए हो सकता है रिया जाए मे भी, लेकिन सीरिया का फिर दिक्कत रहेगा। जो भी होगा, चलिए आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा गाइस। कमेंट क्या कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉगिंग कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं कम से कम कमेंट तो जरूर कीजिए, नाइस लिखिए, जो भी चीज़ लिखिए, अच्छा लग रहा वो लिखिए, जहाँ आपको खराब लग रहा वो भी लिखिए, तो कमेंट जरूर कीजिए, और जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हम कहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं मेन रोड में, देखिए कैसा है, मेन रोड में ब्लॉगिंग कर रहे हैं रोक करके, ये देखें। हम लोग चलिए स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉगिंग, जहाँ से हो समय मिले करना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए ब्लॉगिंग, है ना गाइस। तो चलिए निकलते हैं घर। अरे देखिए गाइस, दूध ले लिए, देखिए मैं नेक्सॉन बाहर ही खड़ा, कितना गंदा, कवर भी नहीं लगा अभी तक, आज इसको वॉश करेंगे, देखते फिर कवर लगाएंगे। चलिए दूध भी मिल गया, दूध मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होता है ना सुबह सुबह, लेट भी हो गया। अभी जस्ट हम घर घुसे ना, तो वाइफ खोज रहे कहाँ कहाँ, और वाइफ जा करके वहाँ पे साइड वाला रूम में, मतलब दूसरा रूम में जा करके और के बैठ गई है, और खोज रहे, कोई नहीं बता रहा। अरे सुबह सुबह कहाँ चले गई भाई, फिर जा करके देखे तो देखे थे वो ओढ़ के बैठी है। बोले आपको आयुष बताया मेरा बेटा, हमने नहीं 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 कल कोई हिंट्स दिया उसके, तुम पकड़ा गई, मेरा ब्लैंकेट ओढ़ी थी, बोले ब्लैंकेट तो हम ओढ़े थे वहाँ, यहाँ कैसे आ गया। इस तरह से फिर हम जाके चेक किए तो देख रहे कि वो ओढ़ के बैठी हुई है, अभी अभी तक उतार नहीं पाएगा, इस टाइम नहीं मिला था, पीछे का जितना डेकोरेटिव उतारे नहीं, अब ये लगेगा क्रिसमस के समय में, क्रिसमस नेक्स्ट मंथ है तो थोड़ा टाइम है, इसलिए इतना टांगेंगे तो गंदा भी हो जाएगा, इसलिए अभी रुके हुए। और यहाँ देखिए चाय बन रहा है, मम्मी भी किचन में, और देखिए सुबह सुबह शुभम भी आए। गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कीजिए हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आज बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और बने रहिए। देखिए सुबह में इतना बोलता है, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए, बेचारा दुखी हो रहा, दुखी होते देख रहे, बूढ़ा आ जाएगा, फिर ये बूढ़ा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला देखिए, गुड मॉर्निंग, देखते हैं मम्मी अपना वाला बोझा दे दी, हाँ हम बोला, हम कहते हमने देना भी था, तिजोरी जोड़ी का चाबी दे दो भाई, बैंक बैलेंस दे दो, रामू काकी, रामू काकी। आज तो देखिए चाय भी बन रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देख रहे हैं सुबह सुबह लोग का चुबू खेल रहे थे, अच्छा छुपा छुप गया था, खोज ही नहीं पाते, कहाँ कहाँ कहाँ।
करेंगे आज, अगर समय मिलेगा तो उतारेंगे, तो कल तो सब उतार देंगे, क्योंकि आज तो आयुष का प्रोग्राम है, तो आज हम कहीं बिजी होना नहीं चाह रहे, सब हो जाएगा उसके बाद आराम से सबको पूरा उतार देंगे। और फिर क्रिसमस के पहले लगेगा ना सुबह, या क्रिसमस में बढ़िया डेकोरेट होगा ना। देखिए क्या बोल रहे, क्रिसमस में तो चेंज करेंगे, हाँ, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। नहीं चेंज क्या, सब तो ठीक है, तो चेंज करेंगे ना, तो चेंज करेंगे। एवं सेंटा ब्लॉक हो चुका है, सेंटा का क्रिसमस में तो सेंटा नहीं होगा तो मजा ना, तुम वो सेंटा बना के खड़ा कर देंगे। हां मेरे पास सेंटा वाला ड्रेस भी तो है, हां इसका तो ड्रेस भी है ना। क्रिसमस में हम सेंटा बने, तो 25 तारीख से लेके 1 तक तो खड़ा रहना हम लोग। हां क्रिसमस में सेंटा बनेंगे गाइस, तो आप प्लीज देखिएगा। हां यहाँ से हम लोग सीधा मार्केट, सामने में मार्केट है, क्योंकि आयुष का स्कूल से लेटर भी आया हुआ था कि उसके लिए एक सैंडल भी चाहिए जो प्रोग्राम करेगा, तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या शूज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने के लिए उसको एक सैंडल चाहिए। चलिए अब निकल रहे हैं सैंडल लेने के लिए उसके दुकान में। यहाँ पे देखिए आयुष का मिलता है कि नहीं, साइज का देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए लम बैठी हुई है, आ रहे भैया आ रहे हैं अभी, मैं गया था तो वहाँ पे तो पोपट हो गया, वहाँ पे इसका साइज का मिला ही नहीं, और यहाँ पे आए तो ससुर, देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं। यहाँ फाइनली दोनों का, वाइफ का भी मिल गया चप्पल और सैंडल लिए, और बेटा का भी मिल गया। तो चलिए निकल रहे घर, क्योंकि आयुष का टाइम भी हो गया, क्योंकि उसमें निकलना प्रोग्राम है, अभी हम नहाए धोए भी नहीं है। चलिए जल्दी निकलते हैं, आयुष खुश है, चलो उसको मिल गया, बच्चा का भी हो गया, चप्पल मिला, सैंडल जो है बहुत अच्छा है, फॉर्म टाइप का है, आराम है चलने में। भैया बोले कि जितना भी आप चलिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, पंजा और इस सब के लिए रिलैक्स महसूस होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा चलती होती है ना, तो इसीलिए हम बोले हाँ, बोले हमको इसके लिए रिलैक्स महसूस मिल रहा, तो हम बोले तब ले लो, इसमें रिलैक्स है, कंफर्टेबल लग रहा है, वो ले लो। चलेगा गला भी तो मेरा बहुत ज़्यादा अभी जाम है, हम लोग निकल रहे हैं सराय डेरा से ही ले रहे हम निकल रहे हैं। देखिए इतना जाम है, खाली हो गया अभी, लेकिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है। ले लिया गाजर मिला, गाजर कितना बढ़िया ताज़ा ताज़ा, तो खाली एक गोली के हमारा इतना ही जरा फोन पे करेंगे ना, खाए दो सब्जी मिलती है, और हो गया था। ये लाल लाल है, ऐसा गाजर देखे ना फ्रेश, इनके यहाँ सब्जी ना फ्रेश मिलता है, हम हमेशा ले जाते हैं, हम लोग हमेशा आते हैं, देखो एकदम ताजा, एक भी सब्जी अपना बासी नहीं मिलता। प्याज पत्ता कैसे मिलता, प्याज पत्ता प्याज पत्ता अभी घर पहुंचे हैं, अब टाइम हो गया है, मुनमुन को सुबह स्कूल छोड़े थे, उनके पापा तो है नहीं ड्यूटी में, तब जाना पड़ेगा उसको लेकर के आना पड़ेगा, फिर अपना तैयारी करना पड़ेगा, फिर आयुष को लेकर जाना। आज खाली भागा दौड़ी हो रहा है, आप सोचते था रेस्ट करेंगे, बिल्कुल रेस्ट कहीं नहीं है। तो यहाँ देखिए एलेक्स के साथ मस्ती हो रहा है अभी, और एलेक्स को देखिए, एलेक्स मुनमुन को लेने के लिए स्कूल, कारमल स्कूल, अब देखिए छुट्टी हुआ नहीं होगा तो बस लेके निकलेंगे, बैग रखो। आयुष अपना तैयार हो चुका है, बाकी उसका वहाँ मैडम लोग भी करेगी मिस लोग, देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा, देख रहे हैं लुंगी और शर्ट पहना हुआ मद्रासी स्टाइल, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको पहले जाके हम लोग को छोड़ करके आना है इसको स्कूल में, फिर मिस लूम इसका जो भी मेकअप वो करेगी, उसके बाद हम लोग को 4 बजे जाना है, जल्दी से टाइम हो गया है, जाके इसको पहले छोड़ के आते हैं स्कूल। चलिए जल्दी से निकालते हैं, चलते हैं। देखा साहब कितना बच्चे लोग कितना कितना अच्छा तैयार हो गया, देखिए आयुष तो चला गया अंदर, ये देखिए देख रहे हैं सबका बच्चा लोग, हम लोग का 4 बजे एंट्री है, सर लोग भी खड़े हैं, एक से एक सब गेटअप में आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखिए देख रहे हैं इधर भी, देखिए बच्चे लोग को देखिए, चलते हैं, पूरा जाम लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता मार रहे हैं और जल्दी पहुँचने, क्योंकि हम लोग को फिर रेडी होकर तुरंत फिर पहुँचना है स्कूल, मिलते हैं, हम भी निकल रहे हैं जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, हम भी तैयार हो गया निकल रहे, फटाफट लेट हो गया।
काफी लेट हो रहे हैं हम लोग भी, 4 बजने वाला है। और देखिए पता नहीं वहाँ पे जाम मिलता है क्या, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। रोड में तो जाम मिल रहा है और आज ही लग रहा है कितना लेट, दूर है स्कूल, ऐसा लग रहा है जल्दी पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। देखिए पहुँच के भी वहाँ का सीन दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग दिनोबली स्कूल पहुँच चुके हैं और देखिए काफ़ी यहाँ पर ही जाम लग रहा है। अब देखिए कहाँ गाड़ी लगाने मिलता है, गाड़ी लगाते हैं और हम लोग पहुँचते हैं। आ चुके हैं या कोई ले ले। देखिए कितना अच्छा व्यवस्था किया गया, देखिए आगे तुमको मिलने वाला, अरे लाल वाला ठीक है। और स्कूल देखिए कितना बड़ा, ये है मेरा आयुष का स्कूल, देखिए देखिए इतना बड़ा स्कूल है, काफी एंजॉय होने वाला, खूब मजा आने वाला, खूब कमाल आने वाला, देखते रहिए बने रहिए। देखिए इसका स्कूल कितना बड़ा है, ये देखिए ये ग्राउंड है कैंपस, यहाँ देखिए स्टॉल लगा हुआ और ये कैंटीन है जो बड़ा वाइट से देख रहे। देखिए कितना अच्छा सा स्वागत किया जा रहा है, देखिए देख रहे हैं कुछ चीफ गेस्ट आया हुआ, इसका स्वागत हो रहा। क्या स्क्रीन लगा हुआ, काफी भीड़ है, सिर्फ 1 और 2 का ही पेरेंट्स लगा मीटिंग चल रहा है। वी ट्रेड एस कम आई अध्याय राय चौधरी ऑफ 5 फीट अलोंग विद माय कोहोस्ट जेसन एक्का ऑफ 4A नित्य में एस ऑल। प्रोग्राम पूरा चल रहा है जोर शोर से, हम यहाँ सीढ़िया को सामने करके आए ग्राउंड साइड में, और ग्राउंड में ही प्रोग्राम है। और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सजाया गया है, ये है मेरा आयुष का स्कूल, देख कितना बड़ा स्कूल है। शाम हो गया, अंधेरा होने जा रहा है गाइस, मेरा तो गला बैठा हुआ इसमें कुछ बोल नहीं सकते। और ये देखिए कितना अच्छा स्टेचू बना हुआ है, ये गाइस कितना बढ़िया जगह पे खड़े हैं। और कुछ सीरिया का फोटो तो भी लिए, सीरिया का अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक राउंड से, ठीक है। और आप देखिए कितना बड़ा स्कूल है।
स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर रेस्पेक्टेड माइकल पी फर्नांडिस एसजे डायरेक्टर इनावली स्कूल, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डॉक्टर तनुश्री बैनर्जी, अदर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स। सब चल रहे हैं, अभी भी डांस चल ही रहा है, आगे देखते हैं वाइफ लोग यहाँ बैठी वहाँ चल रही है, तो हम आगे से ले रहे थे स्टेज प्रोग्राम, अलाउ नहीं था लेकिन बहुत दिक्कत से मिला हमको लेने को। अब चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए कितना छठरी को सजाया गया है, देखिए।
देखिए वाइफ बैठी हुई है, रिया रिया कितना भीड़ था देखिए। आ गई है कुछ नाश्ता लाने के लिए। देखिए सीरिया क्या बोल रही है। हाँ आया खड़ा हो, लाइट में लेंगे हम। बहुत मजा आया गाइस, बहुत अच्छा लगा, काफी मतलब इतना और फील हो रहा है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत मजा आया, और इतना बड़ा स्कूल में इतना पेरेंट्स लोगों के बीच में स्टेज प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छा लगा। ये होता है अपने आप में वो ये कि कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा राइस बोला था कि हम कर लेंगे पापा, हम घड़ाई मत, लेकिन हमको कुछ नर्वस ही था, लेकिन वो देखे कर लिया किया, और बहुत अच्छा लगा। इतना भीड़ कितने पब्लिक के बीच में किया, बहुत अच्छा बात है। हमको तो कभी ऐसा हिम्मत ही नहीं हो पाया इतना पब्लिक के बीच में बोलने का, और इतना अच्छा डांस किया। आपको देखिए वीडियो में दिखाएंगे, बहुत कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन अभी लोग छुप छुप के धीरे धीरे करके ले ही रहा था, हम भी लिए जितना हो सके हम लिए हैं, आपको मिलेगा देखने को। नाश्ता चौप समोसा भी गए, अब चौप खा रहे हैं, चले चौप खा के खा लेते जल्दी से, भूख भी लग रहा है। प्रोग्राम खत्म हो चुका है, देखिए अब सब निकल रहा है। अब पार्किंग में बहुत बड़ा झंझट होगा, पार्किंग में क्या होगा गाइस देखते हैं। गाड़ी मेरा कहाँ पार्क होगा बाप, इसका बच्चा अनाउंसमेंट होगा उसको जाके लेना, जो जो प्रोग्राम दिया था। देखिए आ गया, देखिए साउथ इंडियन मद्रासी आ जा मम्मी में देगा, अब थोड़ा सा स्नैप स्नैप खिंचवा लेते, इसका मम्मी इंतजार कर रही होगी कहाँ है आयुष। हंसते 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 तो देख रहे कैसा भीड़ लगा, देखिए बहुत मजा आया। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, मेरा बेटा पहला बार इतना बड़ा स्टेज प्रोग्राम दिया। स्नैप ले रहा, फोटो ले रहा। जब कभी कॉफी पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, आपको मिलेगा सारा वीडियो में देखने को। चलिए स्कूल की तरफ से भी जो वीडियो मिलेगा उसको भी हम इस वीडियो में डाल देंगे, ऐड करके एडिटिंग करके डाल देंगे। चलिए निकलते हैं अब घर, काफी टाइम हो गया। आयु सबका जैकेट वगैरह पहन रहा, ठंडा हो गया मौसम। सीरिया भी अभी पार्किंग में देखिए कितना भीड़ होगा, वाकई में बहुत मजा आया। देखिए सब पेरेंट्स लोग अभी निकल ही रहे, खाली हो गया स्टेडियम। लंगे यहाँ पे छोड़ करके अब कुछ काम था, अभी निकले थे तो कुछ सामान वामान घटा हुआ था लाने के लिए, और लेकर के अभी आया घर। घर आने के बाद देखिए आयुष को क्या पैकेट मिला था खाने के लिए, वो आपको दिखा रहे हैं। नाश्ता में कुछ पैकेट मिला था, अभी आपको दिखा रहे क्या मिला। बॉम्बे स्वीट्स का है देखिए, और ये है आई लव पिज्जा, और इसके अंदर क्या है खुल जा सिमसिम। अरे ये तो धोखा हो गया। तो देखिए इसमें मिला है आलू भुजिया, क्रीम रोल, केक और ये बिस्किट। ये आयुष को मिला था नाश्ता के रूप में, ये घर लेकर के आ गया, क्योंकि एक वहाँ खा लिया था, एक लेके आया ना। हाँ, समोसा चाउमीन। अच्छा समोसा और चाउमीन वहाँ खा लिया। नहीं, समोसे के अंदर चाउमीन था। अच्छा समोसा के अंदर चाउमीन था, और इसके बाद ये लोग एक पैकेट भी दिया गया। चलिए अभी सीरिया और सब इंतजार कर रहा था मेरा आने का, पापा को दिखाएंगे। हमने तुम लोग खा लेती, लेकिन बोले नहीं पापा आप आएंगे तो खाएंगे।
चलिए इसको फिनिश करते हैं। गाइस बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमको कि मेरा बेटा वहां जाकर के इतना बड़ा स्टेज में परफॉर्मेंस किया डांस का, बहुत अच्छा रहा। सबका मुझसे तारीफ सुन रहे थे स्टेज में कि लोगों ग्रुपिंग डांस बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, इसको चश्मा गूगल सब मिला। तो चलिए आपका ब्लॉग में अगर देखिए हम डालेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसा रहा कैसे नहीं रहा कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए काफ़ी टाइम भी हो गया, बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।